please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. प्यूमा रियल्टर्स देगा 173 करोड़ रुपए का जुर्माना। प्यूमा रियल्टर्स को देना पड़ेगा 173 करोड़ का जुर्माना। तय समय के भीतर फ्लैट्स को पूरा करने और वितरित करने में विफल होने के कारण राज्य के उपभोक्ता विवाद निवारण मंच ने प्यूमा रियल्टर्स को चार शिकायतकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया। भारत के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर के टेंडर के लिए लगी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में होड़। 2600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर को इसी महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। इसके कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग के लिए 8 दिसंबर तक प्रस्ताव आमंत्रित कर रही है। बड़े जमीन सौदों की जांच करेगा आयकर विभाग। देहरादून आयकर विभाग ने काले धन को बाहर निकालने के लिए कवायद शुरू कर दी है। आयकर विभाग कारोबारियों एवं सरकारी अधिकारियों के जमीनी सौदे पर नजर जमाए हुए है। काले धन का पता लगाने के लिए जमीन की कीमत और उसकी आईटी रिटर्न का मिलान किया जाएगा। चैरिटी के नाम पर कब्जा नहीं चलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल आदेश दिया कि चैरिटी का नाम लेकर किसी की निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकते। कोर्ट के सामने एक मामला आया था जिसमें अनाथालय के लिए कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। बड़े कर्जदारों को कोई राहत नहीं देगी केंद्र सरकार। अरुण जेटली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया कि बड़े कर्जदारों को बैंक से कर्ज पर कोई छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने इसे अफवाह कहकर खारिज कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस केवल अफवाह फैला रही है।